इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हमारे साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। आज भी उन्होंने देश को फ्रंट से लीड किया और सबसे पहले वैक्सीन लगवाई, जो शंकाएं थी सबको दूर किया। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री अपने स्वयं के आचरण से संदेश देते हैं। एक तो उन्होंने कोरोना में देश को लीड किया, पूरे देश को। कितनी बैठक की मुख्यमंत्रियों के साथ, थाली भी बजी, ध्यान भी हुआ, लोगों ने उत्साह के साथ कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भी किया। और क्या उन्होंने कहा, टीका सबसे पहले लगेगा डॉक्टरों को, नर्सेस को, सफाई कर्मचारी को, एम्बुलेंस ड्राइवर्स को, पुलिस को। अच्छी बात है ना, देखा आपने। उसके बाद हम लोग का नंबर आया और उसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ये बहुत ईमानदारी से ऐसा मानते हैं कि देश को अगर साथ लेके चलना है तो अपने स्वयं के आचरण से संदेश देना पड़ेगा। और आज मैं अपने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करूंगा कि सुबह 7 बजे अपने आप गए एम्स में और टीका लगवाया। ये कितना बड़ा संदेश है। जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना, जन सेवक बनो, तो वो जन सेवक का सिर्फ भाषण नहीं देते, ईमानदारी से बन के दिखाते हैं। ये बहुत बड़ी बात समझने की ज़रूरत है। हाँ, और हमें गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री के साथ काम करने का। सर, वैक्सीन को लेके राजनीति भी करने की कोशिश की गई थी पहले। जो अपोजिशन पार्टी थी वो कह रही थी कि प्रधानमंत्री पहले खुद वैक्सीन लगवाए, स्वदेशी वैक्सीन पर राजनीतिक दल सवाल उठा रहे थे। अब लगता है कि राजनीति बंद हो जानी चाहिए वैक्सीन पर। देखिए, आज मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं करूँगा, लेकिन जो इसको विरोध कर रहे थे कि भाजपा की वैक्सीन है, उनको जरा अपने गिरेबान में झांक कर ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि अगर मेड इन इंडिया वैक्सीन दुनिया के दर्जनों दर्जनों देशों में लोकप्रियता पा रही है, WHO उसका अभिनंदन कर रहा है, और मोदी जी की अगुवाई में जो देश को उन्होंने आगे बढ़ाया कोरोना की लड़ाई में, उसकी चर्चा दुनिया में है, तो क्या एक बार वो राजनीति से ऊपर नहीं उठ सकते? बाकी तो चुनाव है ना अभी, चार प्रदेशों का, वहाँ पॉलिटिक्स कर लेंगे। क्या कोरोना पर हम एक नहीं हो सकते क्या उसकी लड़ाई में? ये सवाल मैं जरूर कहना चाहूंगा। हालांकि आज भी राजनीति करने की कोशिश की गई, क्योंकि पुडुचेरी की जो नर्स है जिसने प्रधानमंत्री को वैक्सीन लगाया, प्रधानमंत्री असम का गमछा पहन के गए थे, उसमें भी राजनीति करने की कोशिश की गई। और अधीर रंजन चौधरी समेत जो तमाम नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हाथ में गीतांजलि ले लेते तो पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है ना वहाँ भी मैसेज चला जाता। ऐसा है कि उनको विरोध करना तो कर दीजिए ना भाई। जिस दिन दीप जला था ना, याद है आपको ना, देश भर में कोरोना वायरस के पक्ष में, मोदी जी ने तो असम का गमछा उस दिन भी पहना था, दक्षिणी मुंडू पहनी थी। कोई चुनाव था क्या उस समय? अभी उनको कौन समझाए? कुछ लोग सिर्फ सियासत के चश्मे से हर चीज को देखेंगे तो उनको मुबारक है, मोदी जी की सरकार देश की सेवा के चश्मे से काम करेगी और वही उनकी प्रतिबद्धता होगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।